टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी सिंगल मदर बनकर अपने दोनों बच्चों की परवरिश कर रही हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में एक बार नहीं दो दो बार शादी की। हालांकि उनकी दोनों ही शादियां बेहद बुरे तरीके से टूट गईं, जिसके काफी चर्चे भी रहे। श्वेता ने अपनी लाइफ में बहुत दर्द और तकलीफें झेली। श्वेता तिवारी का कहना है कि उन्हें कई बार धोखा दिया गया। इसके साथ ही वो कहती हैं कि वो अपने परिवार में इंटरकास्ट मैरिज करने वाली पहली महिला थी। गलाटा इंडिया को दिए इंटरव्यू में श्वेता तिवारी ने ये भी बताया कि घरेलू हिंसा की शिकायतों के बावजूद वो अपने पहले पति राजा चौधरी को तलाक क्यों नहीं देना चाहती थी। वो कहती हैं, जब आपको पहली बार धोखा मिलता है तो ये आपको बहुत परेशान करता है। आप रोते हैं, आपको लगता है भगवान मेरे साथ ही क्यों। आप इसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, आप इसे ठीक करने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। दूसरी बार जब ऐसा होता है तो आपको एहसास होगा कि ये कभी भी दुख देना बंद नहीं करेगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। जब तीसरी बार आपको धोखा मिलता है तो ये आपको दुख देना बंद कर देता है, इसका आप पर कोई असर नहीं पड़ता। अब जब कोई मुझे धोखा देता है, जब कोई मुझे दुख पहुंचाता है, तो मैं उनसे इसकी शिकायत नहीं करती, मैं बस खुद को अलग कर लेती हूँ। मुझे दुख पहुंचाना उनके व्यक्तित्व में है और अब ये मेरे व्यक्तित्व में है कि मैं दुखी ना हूँ। श्वेता तिवारी ने कहा, मैं अब उन्हें वो पावर नहीं देती और अचानक उन्हें एहसास होता है, ओह वो चली गई। अब तक मैंने देखा है कि जिन लोगों की जिंदगी मैंने छोड़ दी है और चली गई, वो पछता रहे हैं। राजा चौधरी संग खराब रिश्ते के बावजूद वो उस रिश्ते में रही। इसके पीछे वजह बताते हुए श्वेता ने कहा, मेरे पूरे परिवार में किसी ने कभी लव मैरिज नहीं की थी, लेकिन मैंने की। हमारे परिवार में कास्ट को लेकर भी काफी समस्याएं थी, फिर भी मैंने इंटरकास्ट मैरिज की। लोगों ने पहले ही मेरी माँ को ताना मारना और मेरी शादी को जज करना शुरू कर दिया था। अगर उन्होंने तलाक की अर्जी दी होती, शायद वो अलग ही दुनिया होती। वो कहती हैं, उस समय ऐसा नहीं था कि मैं आर्थिक रूप से आजाद नहीं थी, बल्कि ये एक इमोशनल मामला था। मैं अपनी बेटी के बड़े होने पर पिता ना होने के कारण परेशान थी। बाद में मुझे एहसास हुआ कि आपका परिवार तभी खुशहाल हो सकता है जब आप मानसिक रूप से खुश हों। अगर दो लोग एक साथ नहीं रह सकते तो अलग हो जाना ही बेहतर ऑप्शन होता है। बता दें कि श्वेता तिवारी ने 18 साल की उम्र में राजा चौधरी से शादी की थी। राजा चौधरी काफी शराब पीते थे और एक्ट्रेस के साथ मारपीट करते थे। ऐसे में श्वेता ने उनके खिलाफ आवाज उठाई। इसके बाद उन्होंने अभिनव कोहली के साथ दूसरी बार शादी रचाई। कुछ मतभेदों के कारण अभिनव और श्वेता 2019 में अलग हो गए थे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook पर लाइक